वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे समझ आ रहा है, डिटरमिनेंट हमारा टॉपिक रन हो रहा है, एक्सरसाइज 4.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अभी चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे उन सबका प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट वाइज भी अब आप टॉपिक को इजीली देख सकते हैं। तो अभी तक क्या था कि प्लेलिस्ट प्रिपेयर नहीं की गई थी, तो सारे वीडियोस एक साथ ही सब मिक्सअप थे। अभी क्या है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आपको सिंपली चैनल में जाना है। चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। शायद भी कुछ वीडियोस बचे हुए हैं जिनकी प्लेलिस्ट नहीं प्रिपेयर की है, उनकी प्रिपेयर कर देंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा देखने में और समझने में सुविधा रहेगी। बच्चा, आज की क्लास में 4.5 में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट को। तो हमारी जो बुक है एन सी ई आर टी टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर रहे हैं। NCERT टेक्स्ट बुक, और याद रखेंगे इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर मेरी बुक से है 142। कितना? पेज नंबर 142, ठीक है। एक्सरसाइज 4.5, ठीक है बच्चा। इतना किस्सा हमारे पास रहा। अब हमें आज की क्लास में सीखना है एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स तक हम लोग सीख चुके थे। क्या कहा? माइनर्स एंड कोफैक्टर तक सीख चुके थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है, सर एडजॉइंट क्या होता है? बच्चा, कोफैक्टर्स से प्रिपेयर मैट्रिक्स को ही हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से बोलते हैं। सिंपली हम लोग लिखते हैं किससे? एडजॉइंट ऑफ ए। एक छोटा सा केस लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए रही जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। आफ्टर देन A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारे पास मैट्रिक्स रही। अगर हमने इसके कोफैक्टर जनरेट किए, तो कोफैक्टर्स को आप जानते हैं कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इसी की हम करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स तैयार करते हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब है जितने भी आपने कोफैक्टर्स जनरेट किए हुए हैं उन कोफैक्टर्स को आप सिंपली एक मैट्रिक्स में ले आएंगे। ये काफ़ी हद तक कोरिलेट करता है पावर ऑफ अ सेट। तो पावर सेट क्या होता है? आप जानते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। ये बस कुछ उसी तरीके का है। आपके पास एक मैट्रिक्स है, फिर मैंने लास्ट क्लास में, जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है कोफैक्टर किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, लास्ट वीडियो देख लेंगे पार्ट डिटरमिनेंट का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से बच्चा A33, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक एडजॉइंट ए हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो बच्चा, अभी आज की क्लास में क्या है कि कोफैक्टर तक हम लोग सीख चुके थे। कोफैक्टर के आगे वो जितने भी कोफैक्टर जनरेट होंगे उनको हम इसी ब्लॉक में रख देंगे। यहां पर बच्चा एक ट्रांसपोज होगा जो कि लगाना भूल गए हैं। अभी सही है बच्चा। तो बच्चा ये जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए रहेगा, छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर ले जाओगे। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सीख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो एक मैट्रिक्स ए गिवन की जा रही है, 1-1, 2, 1-1, 2, आफ्टर देन 3-0-2, 3-0-2 एंड 1-0-3, 1-0-3। ये बच्चा हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रिजल्ट को वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चा? एक रिजल्ट को हमें यहाँ से करना है वेरीफाई। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। जो लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो तो बिल्कुल गांठ मार देंगे। ए एडजॉइंट ए, आफ्टर देन एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। ये आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्लॉक में देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हमें जनरेट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए जनरेट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आप जानते हैं ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की बात भी आप जानते हैं, मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जब हम लोग डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो यही बिग ब्रैकेट इजिली कन्वर्ट हो जाता है बच्चा किसमें, ये इजिली कन्वर्ट हो जाएगा टू वर्टिकल लाइंस में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल लाइंस जनरेट होगी। यहाँ से बच्चा डिटरमिनेंट ऑफ ए में इसको एक्सपेंड करने का तरीका आप जानते हैं, वन लिया, जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है, जो बच जाता है वो आपके सामने है। पहला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव आता है। ये ब्लॉक मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस ब्लॉक का ही हम लोग ये जो पोजीशन है इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
इसी के साथ में बच्चा आपको देखने को मिलता है 3 - 2 - 1 - 3 एंड +2, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 3 - 0 - 1 - 0। ये बात सही है, आप जानते हैं जीरो से जो टकराएगा जीरो में बदल जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी जीरो में बदल गई 1। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 9 - -2, ये बात भी सही है, अरे ये भी जीरो हो गया। अरे भैया 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है, 11 आ गई है। इसी के साथ में बच्चा अगर हम जनरेट करना चाहें डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये वाला हिस्सा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो इसको जनरेट करना बिल्कुल आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। आई आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बच्चा अभी क्या करना है, 11 को अंदर भेज देना है, 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11, ये आपके पास ये वाला हिस्सा जो है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस पर भी चर्चा करते हैं, परेशान नहीं होंगे, इस हिस्से को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अच्छा हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि हम इन दो की बात करते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए मीन्स ए तो दिया गया है तो एडजॉइंट ऑफ ए अब हमको क्या करना होगा बच्चा, जनरेट करना होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। कुछ रफ करना होगा, ये वाला ब्लॉक इधर से रफ कर देते हैं, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा इसका, तो देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे जनरेट होगा, क्या है और क्या सीख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप जानते हैं सिंपली हम लोग क्या करते हैं, A11 देन A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइंस, ये कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइंस, ये इधर से कुछ वर्टिकल लाइंस, ये कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइंस, ये कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइंस। हाँ, इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, अभी टेबल एक बनाई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपके लिए यहाँ से एक होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये रहा आपके लिए होमवर्क, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अभी जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ये क्या जनरेट कर रहे हैं, कोफैक्टर्स, क्या जनरेट कर रहे हैं, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, 1 1 का मतलब फिर से वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करा देते हैं, फर्स्ट रो एक्सक्लूड होगा फर्स्ट कॉलम एक्सक्लूड होगा तो क्या देखने को मिलता है, 0 - 2 - 0 - 3। 1 2 का मतलब होगा फर्स्ट रो चला गया सेकंड कॉलम चला गया, क्या देखने को मिलता है, 3 - 2 - 1 - 3। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो पार्ट 1 या 2 देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ से क्या देखने को मिलता है, 3 0 1 0। यहाँ से 2 1 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन -1 2 0 3। 2 2 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन 1 2 1 3। 2 3 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 1 0। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए, ठीक है। 3 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स -1 2 0 - 2। 3 2 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, देन 1 2 3 - 2। 3 3 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम, देन 1 - 1 3 0। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है, बच्चा इस ब्लॉक को भी रफ कर देते हैं, अब इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या कर लेते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 11। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 बना देता है जबकि 3 2 9 - 11 बना देता है इस माइनस साइन के साथ में, यहाँ से फिर ये 0 क्रिएट करता है, यहाँ से -3 0 - +3 बना देता है इस माइनस साइन के साथ में, यहाँ से 3 - 2 - -1 बना देता है, यहाँ से हम देखते हैं तो 0 - - +(-1), यहाँ से देखते हैं तो 2 बस 2 ही, यहाँ से देखते हैं -3 - 6 - 8 -3 - 6 - 8 (+8) और यहाँ से हम देखते हैं तो 0 - 3 then we get the -(-+3)। तो यहाँ से बच्चा देखो अभी हमारे पास इतनी वैल्यूज आ गई हैं, अब हम लोग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स, यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स। हालांकि ये देखो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी इसको 4.3 में सीख करके आए हैं। यहाँ से देखते हैं तो बताते हैं कि मैट्रिक्स प्रिपेयर्ड बाई, क्या कहा, मैट्रिक्स प्रिपेयर्ड बाई कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चा इसको सिंपली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ,
हाँ बच्चा, एडजॉइंट कॉफी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं, जो भी वैल्यूज आएंगे उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हालांकि क्लास की शुरुआत में ही आपको मैंने मैट्रिक्स प्रिपेयर करके दिखा दिया था कि किस तरह से वो प्रिपेयर की जाती है। देन प्लस वन, आफ्टर देन माइनस वन, देन टू, एट एंड थ्री। यहाँ से इसका कर देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद में अब आपको देखने को मिलता है जीरो थ्री। आप जानते हैं ट्रांसपोज करने का प्रोसेस क्या होता है, रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। बच्चा यहाँ से इस कॉलम को उजाड़ो, ला करके यहाँ चिपका दो, देन वी गेट दी जीरो थ्री टू। ये वाला देखो जो कॉलम था वो रो में चला गया है। एक ट्रांसपोज का और भी तरीका बताया था, वो ज्यादा आसान होता है। इसमें क्या करते हैं ट्रांसपोज करने के लिए कि प्रिंसिपल डायगोनल को फिक्स रखते हैं और बच्चा स्वैपिंग करा देते हैं। ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सेम प्रोसेस, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो बच्चा इंटरचेंज करा दिए जाते हैं यहाँ से माइनस वन और एट। ये शायद थोड़ा सा आपको आसान लगता होगा, मगर याद रखना ये स्वैपिंग सिस्टम केवल वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या सीख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जनरेट हो चुका है बच्चा। देखो यहाँ से इस ब्लॉक को रफ कर रहे हैं, इस ब्लॉक की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, तो इतना हिस्सा तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको समझेंगे, वेरीफाई करना था। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए जनरेट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ए आप जानते हैं, अरे यार रफ कर दिया, मैट्रिक्स ए अभी आप जानते हैं वन माइनस वन टू, क्या कहा, मैट्रिक्स से आप जानते हैं वन माइनस वन टू, आफ्टर देन टू थ्री फाइव, टू थ्री फाइव एंड लास्ट रो इज वन माइनस वन टू, थ्री जीरो माइनस टू है, थ्री जीरो माइनस टू एंड वन जीरो थ्री, वन जीरो थ्री। ये देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए रही, एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी हम लोगों ने जनरेट कर लिया है, इसको लिख देते हैं रेड से, जीरो थ्री टू, क्या कहा, जीरो थ्री टू, आफ्टर देन माइनस इलेवन वन एट एंड एट लास्ट जीरो माइनस वन थ्री। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या सीख सकते हैं। तो बच्चा कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कराना है। इसका मल्टीप्लाई इससे कराए तो जीरो मिलता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए दो मेथड आपको बताया है, एक पाइपलाइन मेथड बताया है, सिंपली रो कॉलम वाइज जैसा कि आपकी बुक में डिस्क्राइब है। जीरो से वन, देन प्लस इलेवन, आफ्टर देन अगेन वी गेट द जीरो, देन जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, आफ्टर देन जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। यहाँ से बच्चा ये कॉलम कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कॉलम पर आ जाते हैं, देन थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू, फिर थ्री थ्री जा नाइन प्लस जीरो प्लस टू, फिर यहाँ से थ्री प्लस जीरो माइनस थ्री। अच्छा फिर एक नेक्स्ट ले लिया, देन वी गेट दी टू माइनस एट प्लस सिक्स, आफ्टर देन सिक्स प्लस जीरो माइनस सिक्स एंड एट लास्ट टू प्लस जीरो प्लस नाइन। हाँ ये बात समझ आती है। थोड़ा सा और बेहतर तरह से हमने लिया तो इलेवन जीरो जीरो, जीरो इलेवन जीरो एंड जीरो जीरो इलेवन। ये हमारे पास जनरेट हुआ है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या जनरेट हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कुल मिलाकर के एक अभी हमने निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ, ये देखो ये अभी भी निकला हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, जो कि ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा, दोनों सेम है। सेम पैटर्न पर नेक्स्ट आप जनरेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ए, आप देखेंगे तीनों रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो बच्चा इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि अभी आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन की तरफ, यानी फाइव टू इलेवन की तरफ रुक कर रहे हैं बच्चे। ये पूरा प्रोसेस रफ कर रहे हैं, हालांकि इस प्रोसेस में कोई नई चीज नहीं थी। नया क्या था, इस मैट्रिक्स को जितने भी कोफैक्टर निकलते हैं उसको वापस से एक मैट्रिक्स में प्रिपेयर करना, बस ये आपके लिए नया था। इसके पहले की जितनी भी कहानी है वो सब आप सीख करके आए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी। फिलहाल आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्स क्या है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये सब चीजें सीख क्यों रहे हैं बच्चा। एक्चुअली क्या था कि ये तो पढ़ाने का मन ही नहीं था, एक्सरसाइज 4.5। मैं सच बताऊं तो मैं एक्सरसाइज 4.5 कभी सीधे पढ़ाता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया चल रही है, अब आप समझते भी हैं ऑनलाइन में समस्याएं बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए मुझे ये सीरियल वाइज पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज इसके बाद एक एक्सरसाइज है, मैं सबसे पहले वही पढ़ाता हूँ, मैट्रिक्स की शुरुआत ही मैं वहां से करता हूँ जहां पर लोग बिल्कुल लास्ट में आकर के रुकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 10 में, फटाफट फटाफट बोलेंगे। हाँ बच्चा
तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 1 माइनस 1 2, क्या बात कही जा रही है, 1 माइनस 1 2, आफ्टर देन 0 2 माइनस 3 एंड एट लास्ट 3 माइनस 2 4। ये बच्चा आपके पास एक मैट्रिक्स रहा, इसको हमने नाम दिया ए। वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स, क्वेश्चन में कहा गया है इनवर्स उन्हीं का निकालिए जिनका एग्जिस्ट कर रहा हूं। तो समझने की कोशिश करते हैं, हमने यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया। डिटर्मिनेंट जनरेट करने के लिए क्या करते हैं आप जानते हैं, जो मैट्रिक्स का सिंबल है उसको टू वर्टिकल लाइन से रिप्लेस करा दिया जाता है और ये इजिली कन्वर्ट हो जाता है डिटर्मिनेंट में। अब हम क्या करते हैं, वन लेते हैं, वन का राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल, माइनस टू फोर, आफ्टर देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप सब बड़े हो चुके हैं इसलिए इसको यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। प्लस का टू, टू जनरेट करने के बाद में जीरो टू एंड थ्री माइनस टू, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वन, फोर टू जाए एट माइनस सिक्स प्लस वन, यहाँ से जीरो प्लस नाइन, यहाँ से प्लस का टू, यहाँ से जीरो माइनस सिक्स, यहाँ से आपको देखने को मिलता है टू, यहाँ से देखने को मिलता है नाइन, यहाँ से देखने को मिलता है माइनस ट्वेल्व, इलेवन माइनस ट्वेल्व एंड फाइनली वी गेट द माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या जनरेट हुई है, माइनस वन जनरेट हुई है। यहाँ से समझेंगे बच्चा, क्या बताएंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिरकार जीरो और नॉन जीरो से क्या लेना देना है, तो बच्चा एक्चुअली इसके लिए एक फॉर्मूला है, अभी हम लोग फॉर्मूले को आगे समझेंगे तब पता चल जाएगा। चलो यहीं पर बता देते हैं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक्चुअली क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाएगा तो आप बताएंगे कि किसी नंबर को भी अगर हम जीरो से डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये रहा आपके लिए होमवर्क। आप जानना चाह रहे थे कि आखिरकार डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो हो जाता है तो सिंपली आपको ये बताना कि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कराने पर हमको क्या मिलता है। ठीक है, फिलहाल ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये जीरो नहीं है, अगर जीरो हो जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता। हमें सिंपली लिख देना होता ए, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां से बताते हैं कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोफैक्टर्स निकालना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी एक बार आपको और डिफाइन कर देते हैं। ए वन वन देन ए वन टू देन ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री। ये हमारे पास ओवरऑल आउटपुट रहा। ये टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, ये टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वन वन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करा दिया गया है, जो बच रहा है उसको यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे। क्या बच रहा है, टू माइनस थ्री माइनस टू फोर। फिर वन टू का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन जीरो थ्री माइनस थ्री फोर। वन थ्री का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो टू थ्री माइनस टू। एक चीज हमेशा याद रखना कि ये वन 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 टू वन थ्री हमेशा इससे देखो टैली हो रहे होंगे, ये देखो जरा सेम टैली हो रहे हैं। हाँ भाई ये सेम टैली हो रहे हैं, मतलब सही लिखा गया है। टू वन का मतलब क्या होगा बच्चा, टू वन का मतलब होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन माइनस वन टू माइनस टू फोर। कभी भी कॉपी पेस्ट मत कर देना, ये केवल वेरिफिकेशन क्रॉस चेकिंग के लिए बता रहे हैं। टू वन का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देन माइनस वन टू माइनस टू फोर, देन टू टू का मतलब क्या होगा, देन वन टू थ्री फोर। टू थ्री का मतलब क्या होगा, वन माइनस वन एंड थ्री माइनस टू। यहाँ से थ्री वन का मतलब क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन माइनस वन टू टू माइनस थ्री। थ्री टू का मतलब क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, वन टू जीरो माइनस थ्री। थ्री थ्री का मतलब क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, देन वन माइनस वन जीरो टू। चलो बच्चा अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा इसको सिंपली क्या करना है, प्लस माइनस साइन दे देने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। आपके लिए एक बार फिर से होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि अगर इसको ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देते हैं, क्या कहा, दो चीजें आप मुझे बताएंगे। एक तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव देने का तरीका मैंने क्या बताया है, मतलब ये तो सही है प्लस माइनस, कुछ मैंने सब स्क्रिप्ट से भी शायद आपको बताया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ शेयर करते हैं तो ये भी आपके साथ में शेयर किया होगा। आप मुझे बताएंगे प्लस माइनस लेने का प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि अगर इनको अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देते हैं, क्या कहा, अगर हम इनको अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देते हैं तो फिर ये किस नाम से जाने जाएंगे। तो ये रहा आपके लिए फिर से एक होमवर्क, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। 4 टू जाए 8 माइनस 9, क्या कहा, 4 टू जाए 8, 8 माइनस 6 है यार, 9 कहाँ है। 4 टू जाए 8 माइनस 6,
एट माइनस सिक्स मीन्स टू प्लस टू, यहाँ से देखो माइनस फोर प्लस फोर, ये तो जीरो हो गया। यहाँ से देखो थ्री माइनस फोर, अरे माइनस वन हो गया। यहाँ से देखो बच्चा माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया। यहाँ से देखो फोर माइनस सिक्स तो माइनस टू हो गया। यहाँ से जरा देखो थ्री थ्री जहाँ नाइन, देन वी गेट दी प्लस नाइन, माइनस नाइन हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। यहाँ से देख लेते हैं तो जीरो माइनस सिक्स हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं माइनस टू, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री मतलब प्लस वन। यहाँ से देख लेते हैं टू, ये बात सही है। कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास ओवरऑल नाइन डिटर्मिनेंट्स मीन्स नाइन एलिमेंट्स जनरेट हैं। ये एलिमेंट्स एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए के हैं। ये किसके एलिमेंट्स हैं? एडजॉइंट ऑफ ए के हैं। बच्चा थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मुझे रफ करना पड़ेगा, चलो इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लिखने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एलिमेंट्स ब्लू से थे इसलिए ब्लू से ही मेंशन कर देते हैं। जीरो माइनस नाइन, जीरो माइनस नाइन, माइनस सिक्स, आफ्टर देन जीरो माइनस टू, आफ्टर देन प्लस वन, देन माइनस वन, थ्री एंड टू। ये यहां तक पहुंच पाए हैं, इसका ट्रांसपोज करा देंगे। जैसे ही आप ट्रांसपोज कराएंगे, अभी आपको पता है ट्रांसपोज कराने के लिए स्वैपिंग सिस्टम ज्यादा आसान होता है अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है। तो हमको देखने को मिलता है टू जीरो माइनस वन, आफ्टर देन माइनस नाइन, माइनस टू, टू एंड माइनस सिक्स, वन टू। बच्चा जिन भी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है वो सिंपली क्या करेंगे, जो लास्ट के टू वीडियोस हैं उनको वॉच करेंगे। डिटर्मिनेंट का ही पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो फिर आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चा यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बच्चा अभी ए इनवर्स हमें जनरेट करना था। ए इनवर्स के लिए देखो फॉर्मुला है हमारे पास। इस फॉर्मुले के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं वी नो, हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू adjoint of a, 1 upon what is the value of determinant of a, minus 1, adjoint of a 2 0 minus 1 minus 9 minus 2 2 and minus 6 plus 1 plus 2। minus sign को अंदर run करा देते हैं तो हमको देखने को मिलता है minus 2 0 1 then 9 2 minus 2 and at last 6 minus 1 minus 2। ये हमारे पास generate हो चुका है। क्या generate हो चुका है? a inverse generate हो चुका है। क्या generate हो चुका है? a inverse generate हो चुका है। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी अभी आज की क्लास में पढ़ाया है ये सब कुछ आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। हाँ ये आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करना चाहेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करना चाहेंगे। कम हाँ बच्चा, तो बच्चा अभी हमने आपको क्या बता रहे थे, अभी हम बता रहे थे क्या ही जनरेट कर रहे थे, क्या करना था? हाँ, ए इनवर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए देखो बच्चा हमारे पास फॉर्मुला होता है, और इनवर्स के लिए अच्छा फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है, ये रहा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत सारे लोग इसको मॉड ऑफ ए बोलते हैं, मॉड ऑफ ए नहीं है, क्योंकि अगर ये मॉड होता तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, मगर वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है, मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है। फिर आपको सिंपली कोफैक्टर जनरेट कर लेने होते हैं। कोफैक्टर जनरेट करने के बाद में आपको इन सारे के सारे कोफैक्टर्स को जिस पैटर्न पर जनरेट हुए हैं इसी पैटर्न पर उठा करके यहाँ पर आपको रख देना होता है। इसके बाद में इसका ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज करने का तरीका देखो मैंने आपको सिखा दिया है, आपको क्या करना है, किस तरह से प्रिंसिपल डायगोनल ट्रेस करना होता है। ये ट्रांसपोज का जो मेथड है ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही काम करता है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा फिर क्या करना होता है, स्वैपिंग करा देना होता है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो देखो ये इंटरचेंज होगा, इन दोनों को इंटरचेंज किया मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो यहाँ से ये आ गया, ये बच्चा यहाँ पर थ्री होगा, बच्चा ये यहाँ पर थ्री होगा, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो थ्री आ गया। अच्छा इसके बाद में भी हमने क्या किया कि ये मैट्रिक्स वापस यही आ गई है, दोनों को उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है। यहाँ से बच्चा देखो थ्री है, और फिर अभी हमें क्या करना है, ये माइनस थ्री हो जाएगा। बच्चा ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 10 यानी ए इनवर्स निकालना भी आप सीख चुके हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या वाली बात है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि एक क्वेश्चन बताने जा रहे थे उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, वो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है वो एक प्रूफ है, हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई में, इसलिए इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां से क्लास की शुरुआत हुई थी, क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बच्चा क्या था, फॉर्मूला क्या था, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का लेते हैं, उतने बाई उतने का ही लेते हैं जितने बाई जितने का आपको गिवन मैट्रिक्स होता है, मीन्स दिया होता है। गिवन मैट्रिक्स मतलब ए अगर तीन बाई तीन का है, थ्री बाई थ्री का है, तो फिर आइडेंटिटी भी कितने बाई कितने का लेंगे, थ्री बाई थ्री का लेंगे। ए अगर हमारा टू बाई टू का गिवन है तो आई भी कितने बाई कितने का जाएगा, टू बाई टू का जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको बेहतर तरह से समझ आई होगी। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि ए
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, ये बच्चा रहा। तो इसको देखो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। इसके प्रूफमेंट के लिए लास्ट क्लास में यानी पार्ट टू में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि कभी भी अगर करेस्पॉन्डिंग यानी कोई भी एक मैट्रिक्स लिया फिर उसके एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिया और याद रखेंगे कि कोफैक्टर के एलिमेंट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर उसी की करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के सेम रो या कॉलम से करा दिया जाता है तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। यहीं से बच्चा क्लास की शुरुआत होती है। इसको 3x3 के लिए सबसे पहले सॉल्व करके दिखा रहे हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमने लेट किया कि मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास a11, a12, a13, a21, a22 एंड a23, a31, a32 एंड a33, तो बच्चा इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए तैयार होगा वो क्या तैयार हो जाएगा आप जानते हैं, a11, a12, a13, a21, गलत बात है इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, a21, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। इसका बच्चा कर देते हैं क्या ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद में बच्चा आपको क्या देखने को मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आपको देखने को मिलेगा a11, a21, a31, a12, a22, a32, a13, a13, a23 एंड a33। बच्चा हमें क्या करना है, लिखा गया है a एडजॉइंट ऑफ a यानी a एडजॉइंट ऑफ a, बच्चा ये हमने ले लिया है। a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। यहाँ से बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास गिवन है a11, a21, a31, a12, a22, a32, a13, a23, a33। बच्चा अभी क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। करा दो भैया मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है a11 देन प्लस a12 प्लस a13 ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं तो देखने को मिलता है a21 देन a11 a22 a12 a23 a13। फिर बच्चा यही प्रक्रिया इधर होगी a31 a11 a32 आफ्टर देन a12 a33 a13। इसी तरह से बच्चा इधर ये सारे एलिमेंट्स आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। मेरी बात समझ गए। यहाँ पर देखो a11 ये लास्ट वीडियो देख लेना बच्चा, उसमें ये चीज मैंने क्लियर की हुई है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे उससे पता चलता है कि ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो जरा समझने की कोशिश करना इधर से, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपके लिए क्योंकि यहाँ से कई प्रूफ आपके बनते हैं। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाता है, इसके बाद में नेक्स्ट जीरो, फिर नेक्स्ट जीरो। ये वाला देखो, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर के जो भी रो या कॉलम को हम डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये भी जीरो। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए अगेन जीरो, जीरो जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ से देखो डिटरमिनेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब समझ रहे, मान लिया लैम्डा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है बच्चे, मान लेते हैं कि लैम्डा है। तो हमने माना लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू लैम्डा, तो इस सिचुएशन में देखिएगा लैम्डा जीरो जीरो, जीरो लैम्डा, जीरो जीरो लैम्डा। बच्चा यहाँ से देखो पूरी मैट्रिक्स से कुछ कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा कॉमन है तो हमको देखने को मिल जाता है 1 0 0 1 0 0 0 1। अब जरा देखो समझाना क्या चाह रहे थे ये समझेंगे। अगर वापस से हम लैम्डा की यही वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर मिल जाता है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से इसको रफ कर देते हैं तो ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स से हमने क्या कॉमन कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लिया। तो ये इसी ब्लॉक को तो हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्या कहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्या कहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आगे इसी में, इसी सीरीज में बढ़ते हैं और कुछ और भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा प्रूफ आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। हालांकि इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है लेकिन ये जो रिजल्ट अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं और निश्चित तौर पर अभी जो आपका टर्म वन अभी एग्जाम लगा हुआ है यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाला है। कहा जा रहा है ए एडजॉइंट ऑफ ए
इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, कोई भी एक हिस्सा ले लेते हैं, कितने हिस्से ले लेते हैं, कोई भी एक हिस्सा ले लेते हैं। क्वेश्चन में तुमको बताएगा कि ये ए कितने बाई कितने का है। अगर ए 3/3 का था, जैसे भी पिछले केस में सॉल्व किया था, तो यहां पर आई भी 3/3 का होगा। अगर सपोज करो ए एन बाई एन का है, मीन्स ए मैट्रिक्स ए जो दी जा रही है वो एनएथ ऑर्डर की है, मीन्स एन बाई एन ऑर्डर की है, तो जाहिर सी बात है कि फिर यहां पर जो आई होगा वो भी एन बाई एन का ही होगा। समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, हमने यहां से केवल इन दो हिस्सों को अडॉप्ट किया, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसको ऐसे ही रखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को भी ऐसे ही रखते हैं, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने माना कि जो मैट्रिक्स है वो एन बाई एन की है, मतलब 100010 से लेकर के 0001 तक आएंगे। मेरी बात समझ गए, ये एन बाई एन की है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, अंदर रन करेगी तो ये डिटरमिनेंट बच्चा किसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा। किसके किसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये जीरो फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सही है। अब देखो बच्चा हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से बच्चा चमत्कार होने वाला है, इसलिए जरा ध्यान देना, ये पूछा गया है। हमने क्या किया, बोथ साइड डिटरमिनेंट रन कराया, क्या रन कराया, डिटरमिनेंट, तो जाहिर सी बात है इसमें भी डिटरमिनेंट जनरेट हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, और फिर बच्चा इसके बाद 0 से ले करके डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर कोई चीज कॉमन करनी होती है तो वो हर एलिमेंट के पास होनी चाहिए, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम में अगर वो चीज अवेलेबल है तो फिर हम कॉमन कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी आपको शायद पता नहीं होगी, लेकिन इसको याद रखेंगे। अब क्या ही बताया जाए भैया, अबोर्ड और गवर्नमेंट दोनों के दोनों ही जो है ना, अब हम क्या ही कहें। यहां से देखो बच्चा, यहां से आपको देखने को मिलता है एडजॉइन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये बच्चा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है तो डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यहां पर देख लो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहां से बच्चा समझने की कोशिश करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इस प्रॉपर्टी से अलग अलग हो गया है। यहां से बच्चा जब डिटरमिनेंट को तुम सिंपलीफाई करोगे तो इसको सिंपलीफाई करने पर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई उतने ही टाइम्स होगा जितने बाय जितने की आपको मैट्रिक्स दी गई है, एन बाई एन की मैट्रिक्स दी गई थी, तो ये इसका मल्टीप्लाई एन टाइम्स होगा। मेरे कहने का मतलब देखो ये है कि अगर एन बाई एन की मैट्रिक्स है तो ये इसका जो ऑर्डर है वो एन बाई एन का है। एन बाई एन का मतलब है कि इसके पास एन रोज हैं, एन कॉलम्स हैं। कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, एन रोज हैं, एन कॉलम्स हैं। ठीक है, इस फर्स्ट रो से हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन किया, तो बच्चा फर्स्ट रो जो है जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए वहां पर 1 हो जाएगा, 0 0 एंड सो ऑन 0। यहां से देखते हैं तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर कॉमन हो गया, तो 0 0 1 0 फिर 0, ये प्रक्रिया इसी चलती रहती है। अब देखो एक यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन हुआ, फिर एक यहां से कॉमन हुआ, फिर एक नेक्स्ट वाले से कॉमन होगा, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। लास्ट में nth वाले से भी, nth रो से भी एक डिटरमिनेंट कॉमन होगा, इसलिए n टाइम्स मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, और ये बच्चा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की होगी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी n बाई n की। आप मुझे बताएंगे, आपके लिए ये होमवर्क रहा कि अगर n बाई n की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। क्या कहा, मैं सिंपली ये जानना चाहता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ i की वैल्यू क्या होगी अगर ये i n बाई n का है। मेरी बात समझ गए, तो बच्चा यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां से अब हमको देखने को मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n। बच्चा यहां से हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ a, ये बच्चा डिटरमिनेंट है यार, ये डिटरमिनेंट है, ब्रैकेट नहीं है। यहां से बच्चा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, सिंपलीफाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ a। कुल मिलाकर के ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट जनरेट करते हैं तो उससे एक पावर कम हो जाती है। कितनी पावर कम हो जाती है बच्चा, एक पावर कम हो जाती है। कितनी पावर कम हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक इसी सीरीज में एक और भी रिजल्ट पूछा जाता है, पूछ लेता है कि एडजॉइंट ऑफ ए हाँ की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसका रिजल्ट इसी जगह से हम लोग मॉडिफाई करेंगे। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर ए का रिप्लेसमेंट एडजॉइंट ऑफ ए से करा देते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलेगा
एडजॉइंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए इसको अगर हम अलग कर लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन और साथ में एक यहाँ पर चल रहा है एन माइनस वन, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बच्चा किसकी वैल्यू थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बच्चा रहा आउटपुट। तो यहाँ से कई रिजल्ट्स मॉडिफाई होते हैं, कई रिजल्ट्स वेरीफाई होते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ आप मुझे, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर क्या है डिटर्मिनेंट मैंने लगा रखा है, आपको डिटर्मिनेंट नहीं लगाना है, आपको सिंपली बताना है कि किसी भी मैट्रिक्स का टू टाइम्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लिया फिर उसका एक बार और एडजॉइंट ले लिया तो आप मुझे बताएंगे ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा। ये होगा बच्चा फिर से आपके लिए होमवर्क। कुछ ये लोग रिप्लाई करते हैं तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग वीडियोस को वॉच करते हैं वो वीडियोस के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो मिनट का समय लगेगा यार, उसको बस पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट कर देना है। फिलहाल यहाँ तक तो अब मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपसे रिजल्ट वेरीफाई करवा रहा है इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, याद रखेंगे ये मैट्रिक्स में ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, आप इजीली इनवर्स निकालना बता दिया आप कर सकते हैं, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स सी इनवर्स देन बी इनवर्स देन ए इनवर्स, इसीलिए बोलते हैं रिवर्सल लॉ, जो सबसे बाद में होगा सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा सबसे बाद में चला जाएगा। यहाँ से बच्चे आप लगभग सारे क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तो बच्चा अभी आज के लिए इसको यहीं पर रोकते हैं, एटलीस्ट आप अब तो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो कर ही लेंगे, फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 12 तक में कोई दिक्कत होती है तो इन्फॉर्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।